अपलोड्स, जितने तारीफ के पुल आपने बांधी है, मैं ये अक्सर बोलता हूँ कि अपनी तारीफ खुद स्टेज पर खड़े होकर सुनना यार, इससे ज्यादा शर्म और किसी चीज में नहीं आती है। वेल दोस्तों, अ प्राउड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ यू आउट हियर। आई हैव जस्ट गॉट एन ऑफिशियल मेल फ्रॉम वर्ल्ड रिकॉर्ड्स इंडिया, मिस्टर पवन सोलंकी, हु इज द फाउंडर ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड इंडिया एसोसिएशन। दिस एक मिनट, लिसन टू मी वेरी केयरफुल किड्स प्लीज। दिस has been formatted by none other than our honorable Prime Minister Mr. Narendra Modi, and that association has just now confirmed a world record for this movement of today. It's such a great feeling, my friends. Aur aapko ek aur bata dun, each one of you is getting that world certificate, recognition certificate to your school within the next 15 days. आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग, ये हिंदुस्तान में पहली बार हुआ है। इट्स अ वर्ल्ड रिकॉर्ड जस्ट टेकन प्लेस टूडे। थैंक यू टू ऑल यू यंग बबली स्टार्स ऑफ दिस मूवमेंट। थैंक यू सो मच। वी हैव राहुल दे, आई थिंक शर्मा जी इज जस्ट कमिंग। Share this stage with Anil ji and my dearest friend for longest time, Neetu. You know, ये हमेशा कुछ ऐसा ऐसा काम करते हैं कि मैं actually सोच में पड़ जाती हूँ कि एक आदमी अपना सारा वक्त निकाल कर जो बहुत कुछ दूसरा काम कर सकता है, जैसे दुनिया में बहुत सारे लोग करते हैं पैसा कमाने के लिए, नाम कमाने के लिए, शोहरत कमाने के लिए, पर ये जेन्युइनली लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं, एक दूसरे के लिए कुछ करना चाहते हैं, और उसके लिए अपना सारा समय, अपनी सारी एनर्जी ये इन सारे अलग अलग कामों में लगाते हैं। उसके लिए मैं इनके लिए चाहूँगी कि आप ज़ोरदार तालियां बजाएं, बिकॉज दिस इज़ फैंटास्टिक व्हाट ही डज। एंड आई एम वेरी लकी एंड ऑनर्ड कि इन्होंने मुझे आज इस मंच पर यहाँ आप सबके सामने शामिल होने का मौका दिया। मुझे बच्चों से बहुत प्यार है, तो आज मुझे वाकई में मैं मना नहीं कर पाई बिकॉज आप लोग यहाँ थे। सो थैंक यू फॉर ऑल दिस लव वंस अगेन। और बड़ों से भी प्यार है बिकॉज बड़ों में भी बच्चे ही होते हैं, राइट? हमारे अंदर भी, सबके अंदर बच्चे ही हैं छोटे छोटे छुपे हुए। सो टू ऑल द लव एंड टू ऑल द सक्सेस, आई वॉन्ट टू जस्ट विश मिस्टर मुरारका लाइक
all my best wishes and thank you so much for making me a part of this beautiful contest today. I would love to see what the kids have done. Like, I really wanted to see that and I would love to see it because talent is one thing. I can tell you ki aap se wo koi nahi chheen sakta duniya mein. Wo aapki apni daulat hai. To jab aapke paas talent hai na, aap ye samajhiye aap bahut ameer hain kyunki wo talent आपको दुनिया में कहीं भी पहुंचा सकता है. यू नो, कई लोगों को सालों लग जाते हैं, महीनों लग जाते हैं पैसे कमाने के लिए, और कई लोगों के पास इतना पैसा है फिर भी उन्हें अपना नाम बनाने के लिए या प्रेस उनका ही फोटो छापे या कहीं उनकी पब्लिसिटी हो, उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है. मगर टैलेंटेड लोगों को कुछ नहीं करना पड़ता, उन्हें सिर्फ अपना जौहर दिखाना पड़ता है बस. सो दैट्स हाउ रिच यू आर एंड नेवर फॉरगेट दैट. नेवर फॉरगेट आप की वैल्यू क्या है, आपके टैलेंट की वैल्यू क्या है. सो कीप पुशिंग दैट टैलेंट एंड जस्ट कीप रीचिंग ऑल द हाइट्स. मे अल्लाह ब्लेस यू विद एवरीथिंग बेस्ट इन लाइफ एंड आई विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी दिवाली एंड अ वेरी प्रॉस्परस न्यू ईयर. थैंक यू सो मच. मैं पहले ही बहुत बोल चुकी हूँ शमा, तो अब मैं बस इतना कहना चाहूँगी जो शमा अभी कह रही थी थोड़ी देर पहले मैंने ही कहा था. तो यू इट्स नॉट दैट, अलग अलग शॉट है. शमा ने भी बहुत मेहनत की है, एक नाम एक शौहरत, और जैसा मैं आपको बता रही थी कि हम कहीं से नहीं आते हैं एंड वी हैव ऑलवेज स्पोकन अबाउट दिस कि हम लोग अगर टैलेंट हो, हार्डवर्क हो, तो आपको दुनिया की कोई चीज़ नहीं रोक सकती है, या तो ऊपर वाला या आप खुद. और कुछ भी ऐसा कोई दूसरा इंसान में हिम्मत नहीं है. इफ़ यू आर टैलेंटेड, हार्ड वर्किंग, आप अपना जौहर दिखाएं और यू विल बी रिकग्नाइज एंड यू विल मेक अ पोजिशन फॉर योर सेल्फ. मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि एक फैमिली जब साथ देती है तो सब एक साथ आगे बढ़ जाते हैं. एक आदमी को बनाने के लिए पूरी फैमिली लग जाती है. एंड इसके पहले कि मैं आगे कुछ कहूँ, आई वुड ऑल्सो लाइक टू थैंक एंड कॉन्ग्रेचुलेट मिसेस मुरारकर एंड द सन देयर. ही सिंस द टाइम आई हैव कम, वो कहते रहे कि इन्होंने ये किया, इन्होंने किया. मैं जानना चाहती थी क्या क्या हो रहा है. मैंने इतने ब्यूटीफुल परफॉर्मेंसेस देखे, क्या टैलेंट था, द वे दे हैव परफॉर्म्ड एंड एवरीथिंग. सो आई हैव टू कॉन्ग्रेचुलेट बोथ ऑफ देम बिकॉज आई नो दैट इट टेक्स द होल फैमिली टू गेट टुगेदर टू मेक समथिंग. और इतना आसान नहीं होता. आई एम श्योर यू वुड एग्री, अनिल जी के पीछे ये फोर्सेज हैं तो ये सारी चीज़ें इतनी ब्यूटिफुली हो रही हैं, राइट? एंड कॉन्ग्रेचुलेशन डॉक्टर अनिल. This you deserve because I have been seeing you, I know you for more almost a decade now, I think. And मैंने इनका काम देखती रही हूँ हमेशा, Facebook पे हो या online हो या papers में हो. ऐसे ऐसे initiative कोई लेता नहीं है. तो ये initiative लेना और इस तरह से खूबसूरती से आप लोगों ने अपने talent को जो यहाँ पे प्रस्तुत किया है, the way you presented, it's great. So guys, there's no limit. जो करना है आप दुनिया में कर सकते हैं और कोई आपको नहीं रोक सकता है. सी, जैसे ये फैमिली खड़े होकर आपसे ये बात कर रही है, वैसे ही आई एम श्योर आपकी फैमिली भी है जो आपको यहाँ लेकर आई है, तो उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया. क्योंकि बिना पेरेंट्स के तो मुश्किल होता है अकेले बच्चे का कुछ भी करना. सो आप पेरेंट्स जो खड़े हैं उनके, आप लोगों को भी बहुत बहुत थैंक यू. बिकॉज जो भी मैं आज हूँ बिकॉज ऑफ माई पेरेंट्स, बिकॉज स्पेशली बिकॉज ऑफ माई मदर. सो आप लोग का भी बहुत थैंक यू. थैंक यू सो मच कि हम लोग को आपने इनवाइट किया और हम इस लायक हो पाए कि कुछ बता पाए अपने बारे में और बोल पाए कि हम लोग कहीं से नहीं आते हैं, फिर भी हमने एक ऐसा थोड़ा सा नाम बनाया जिसमें हम आपसे बात कर सकते हैं. सो गो गाइज, डोंट स्टॉप एनीवेयर, जस्ट कीप डूइंग इट एंड यू विल मेक इट टू द टॉप. गुड लक एंड थैंक यू सो मच. दिवाली आप सबको मुबारक हो और नया साल भी.
बहुत बधाई देना चाहूँगी उन्हें। और जैसे कि मैंने स्टेज पे भी कहा कि बहुत कम लोग होते हैं जो समाज के लिए अपना सारा वक्त निकाल कर कुछ ना कुछ नया करते रहते हैं। जब इन्होंने मुझे मुरारकर जी ने मुझे पहली बार अपने एक अवार्ड फंक्शन पे बुलाया था जिसका नाम था शूरवीर अवार्ड, और मुझे लगा शायद सारे एक्टर्स को सब अवार्ड्स दे रहे हैं, बिकॉज जिसको देखो वो एक्टर्स को अवार्ड देता है या कोई सेलिब्रिटीज़ को अवार्ड देता है। ये पहले ऐसे इंसान थे जिन्होंने एक ऐसा अवार्ड फंक्शन बनाया जो आम लोगों के लिए था, जो आम लोग जिन्होंने ज़िंदगी में कुछ वाकई में हीरोइक किया है उनके लिए था। तो मैं आई वॉज लिटरली इन टीयर्स व्हेन आई सॉ दैट हैपन, एंड तब से मेरी इनके लिए इज्जत जो है बहुत बढ़ गई है। एंड मैं बहुत अपने आप को खुशकिस्मत मानती हूँ कि उन्होंने मुझे आज यहाँ बुलाया, बिकॉज बच्चों से मुझे खासा प्यार है और बच्चों के लिए मैं मना ही नहीं कर पाई। और इससे बेहतर दिवाली क्या हो सकती है कि मैं बच्चों के साथ यहाँ मना रही हूँ। अभी बहुत कुछ बात कही आपने, आपने कहा कि टैलेंट अगर इंसान में है तो उसको किसी जरूरत नहीं पड़ती, वो रिकॉग्नाइज होते हैं। लेकिन आप ये बात कितना सही मानते हैं, क्योंकि आज के दौर में आप देख रहे हैं कि टैलेंटेड लोगों को एक्सप्लॉइट किया जाता है, और जब से मी टू हुआ है तब देख रहे हैं कि कितने ज़्यादा लोग को। पर देखिए, टैलेंट और एक्सप्लॉयटेशन तो ज़िंदगी में हमेशा चलेगी, ये तो चलती आ रही है और चलेगी, ये इंसानी फितरत है, इसे आप बदल नहीं सकते। हाँ, अगर आप अंदर से अपने आप को सबकॉन्शियसली अवेयर बनाएं तो आप इसे ज़रूर थोड़ा कम कर सकते हैं। ये आपकी चॉइस है कि आपको किसको एक्सप्लॉयट करना है कि नहीं करना है। जब भी आपके पास ये चॉइस होती है, अगर ज़्यादातर लोग एक्सप्लॉयटेशन की चॉइस चूज़ करेंगे तो ऑब्वियसली एक्सप्लॉयटेशन ज़्यादा बढ़ेगी। पर टैलेंट को आप फिर भी नहीं रोक पाएंगे। जैसे कि मैंने कहा कि अगर आप में खुदा की दी हुई एक नेमत है तो उसे कोई रोक नहीं सकता, और उसमें वो जज्बा होना चाहिए कि मैं इस नेमत को कहीं ले जाऊंगा। तो भले ही थोड़ा वक्त लग जाए, कभी कभी एक्सपेक्टेशंस ज़िंदगी में आपके जो उतार चढ़ाव आते हैं आपको थोड़ी देर के लिए स्लो कर सकते हैं, लेकिन वो आपसे आपकी कामयाबी छीन नहीं सकते। तो जो कहते हैं ना, जैसे जो देर से कामयाबी मिलती है वो रहती भी देर से। मैम, बच्चों के साथ डांस किया, यू हैव डांस किया, जी आई लव किड्स, एंड मैंने बहुत दिनों बाद आज डांस किया, आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट एट ऑल। और मुझे अच्छा लग रहा था कि वो मुझे डांस स्टेप्स सिखा रहे हैं, बिकॉज इतना अच्छा डांस करते हैं ये सारे बच्चे। एंड जस्ट इमेजिन, ये अंडर प्रिविलेज किड्स हैं, इनको इतनी सहूलियत नहीं दी जाती है, पर इनमें भर भर के टैलेंट भरा हुआ है, और कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और इनके चेहरे पे एक स्माइल है, एक कॉन्फिडेंस है। दे आर नॉट बॉदर्ड कि मुझे कौन जज करेगा, मैं जीतूंगा कि हारूंगा या क्या होगा। दे आर प्योर एट दिस स्टेज, दे आर प्योर, एंड आई कुड सी दैट प्योरिटी ऑन स्टेज, आई कुड सी कि हाउ मच दे वर एंजॉय। और उनके साथ साथ मुझे बहुत मजा आ रहा था डांस करने के लिए। अरे, लड़कियाँ कितना मजेदार ढुमके मारती हैं। मैं कह चुकी हूँ ऑलरेडी, जैसे कि मैं फिर से कहना चाहूँगी कि अनिल जी बहुत ही ज़बरदस्त इंसान है। इतना वक्त निकाल के कोई कैसे दूसरों के लिए इतना कुछ करता है। हमने बड़ी मुश्किल से एक वेब सीरीज़ बना पाए हम अपने लिए सुन, इतने सालों की मेहनत से। ये तो हर रोज़ कुछ ना कुछ करते रहते हैं, तो मुझे इनसे कीप अप करना पड़ेगा, मुझे और कुछ करना पड़ेगा लोगों के लिए। ये मुझे इंस्पिरेशन देते हैं, मुझे इंस्पायर करते हैं बहुत कुछ करने के लिए। सो हैट्स ऑफ टू अनिल जी, एंड थैंक यू फॉर मेकिंग मी अ पार्ट ऑफ दिस ब्यूटीफुल इवेंट टुडे। यूजुअली हम दिवाली दो लोगों के घर जाते हैं, लोग एक दूसरे के घर जाते हैं, दोस्तों के घर जाते हैं, बट दैट्स वेरी यूजुअल। टुडे दिस टाइम इज अ वेरी अनयूजुअल दिवाली फॉर मी, बिकॉज आज मैं उन बच्चों के साथ सेलिब्रेट कर रही हूँ जिससे रिश्ते में मेरा कोई लेना देना नहीं है, मगर बड़ी तरीके से रिश्ता देखा जाए तो बहुत कुछ लेना देना है। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, हम सब कनेक्टेड हैं, और आज इन बच्चों से मैंने इतना कनेक्शन देखा। इनका प्यार ना बिल्कुल बेवजह होता है, वो उसमें कोई छल नहीं होता, कपट नहीं होता, ये खुले दिल से प्यार देते हैं और ना झिझकते हैं दिखाने में अपना प्यार। अभी एक बच्चे ने मेरा हाथ पकड़ के उसको चूम लिया। दे आर सो ओपन, एंड आई लाइक दैट। क्या होता है, हम जब बड़े हो जाते हैं ना तो यही मासूमियत हम कहीं खो देते हैं, यही वल्नरेबिलिटी हम कहीं खो देते हैं। आई विश कि यही वल्नरेबिलिटी रहे। आज उस बच्चे ने मेरा हाथ चूमा, आप कहेंगे कोई बड़ा लड़का ऐसा करेगा तो नहीं, उसकी एनर्जी अलग थी। उसने जिस तरीके से चुमा, उसे ऐसा इतना प्यार झलक रहा था उसमें से, उसकी एनर्जी अलग थी। तो अपनी एनर्जी को क्लीन करिए, अपने उस बच्चे को ज़िंदा रखिए हमेशा। तो वो बच्चा जो जब हमेशा ज़िंदा रहेगा तो आपकी कोई हरकत कभी गलत नज़र आ ही नहीं सकती, बिकॉज आप में प्योरिटी रहेगी, आप में इनसेंस रहेगा, आप में प्रेम रहेगा सच्चा। मैं सभी दर्शकों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएँ देना चाहूँगी, और ये भी कहना चाहूँगी कि आपने इतनी सारी दिवालियाँ नॉर्मल बनाई हैं, इस बार कुछ अलग हटकर कीजिए, कुछ बच्चों के लिए कीजिए, उनके लिए कीजिए जो जो अपने लिए खुद कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज
आज ही मैंने एक बड़ा अच्छा कोट पढ़ा कि व्हाट आर ह्यूमन बीइंग्स इफ दे कांट फील फॉर अदर पीपल्स मिजरीज, इफ दे कांट डू एनीथिंग फॉर अदर पीपल्स यू नो लैक ऑफ क्या बोलते हैं उनकी उनके पास अगर नहीं है और अगर आप नहीं दे सकते तो फिर किस बात के इंसान हम. सो डू समथिंग फॉर किड्स. पटाखे मत जलाइए प्लीज़, पटाखे में बिल्कुल मत पैसा खर्चा कीजिए. ये सिर्फ आप इससे बेहतर है आप पैसे ही जला दीजिए, बिकॉज एटलीस्ट उससे धुआं कम होगा, बिकॉज ये धुएं से हमारी पूरी सबकी सांसें लेने मुश्किल हो रही है. तो आप वो सब ना करें, बट प्लीज़ जाएं, थोड़ी मिठाई गरीबों में बांटें, थोड़े कपड़े गरीबों में बांटें, अपनी खुशियाँ अपनी आपको जो भी भगवान ने दिया ऐसे थोड़ा थोड़ा बांटें, बहुत मजा आएगा ट्रस्ट मी. वेब सीरीज और एल्बम के बाद व्हाट नेक्स्ट वर्क आपने में किया? आई एम डूइंग अ म्यूजिक वीडियो नाउ एंड आई एम वर्किंग ऑन अ फीचर फिल्म. उसके बारे में जल्दी से मैं एक सेपरेट प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँगी. बट या सो म्यूजिक वीडियो इज किक एस, मूवी इज किक एस. वी आर ऑल्सो वर्किंग ऑन वन वेब सीरीज अंडर माई प्रोडक्शन राइट नाउ एंड अब दिल की सुन सीजन टू वी आर वर्किंग अंडर माई प्रोडक्शन. सो ये चार चीज़ें मेरी अभी इस वक्त चल रही हैं, सो आई एम बिजी विद दैट. Thank you. Good evening, especially like the unprivileged kids were there. You also dance and there were also other activities. I think it's a great opportunity क्योंकि ऐसे इनिशिएटिव बहुत कम लिए जाते हैं जहाँ अंडर प्रिविलेज किड्स को ये प्लेटफॉर्म दिया जाता है. अभी आई डोंट नो इफ़ यू नो अ नॉट कि यू नो इतने सारे रियलिटी शोज़ आ गए हैं, इतने सारे इवेंट्स और इतने सारे चैम्पियनशिप्स और टूर्नामेंट्स होते हैं जहाँ पे रियल टैलेंट्स को ढूंढा जाता है. उसमें से है बहुत इंपॉर्टेंट बहुत अच्छा एग्जाम्पल है प्रो कबड्डी. आप देखिए जितने भी प्लेयर्स हैं वो कहीं से भी नहीं आते, लेकिन चूंकि वो बहुत टैलेंटेड हैं, बहुत हार्डवर्किंग है, तो अलग अलग टीम में खेल रहे हैं. और अगर ऐसा ही रहा तो आई थिंक दीज किड्स विल ऑल्सो गेट एन अपॉर्चुनिटी टू फ्लाई एंड इट्स अमेजिंग. नीतू जी, आप खुद ब्लैक बेल्ट है, मतलब क्या कहना चाहेंगे, टैलेंट होना और इस तरह सेल्फ डिफेंस जो चीज़ है खासकर लड़कियों को सीखना कितना ज़रूरी है, क्योंकि माहौल आप देख रहे हैं मीटू चल रहा है, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए मैं ना एज अ टाइक्वांडो प्लेयर हूँ, तो मैं लड़का लड़की सोच के नहीं खेलती हूँ. मैं अच्छी प्लेयर हूँ, मैंने इंडिया रिप्रेजेंट किया है और मैं उस तरह से ही देखती हूँ. बट मैं ये ज़रूर चाहूँगी कि लड़का और लड़की दोनों ही सीखें मार्शल आर्ट्स, क्योंकि लड़कियों के लिए सेल्फ डिफेंस एक अलग बात है, पर कॉन्फिडेंस और जिस तरह से आप अपने प्रेजेंट करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है. लड़कों के लिए भी डिसिप्लिन और फीमेल्स का इतना हार्डवर्क करना वो उनको सिखाता है. सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि किड्स शुड लर्न मार्शल आर्ट्स एंड इट्स मेरे लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट रहा है और मैं आज जो भी हूँ वो स्पोर्ट्स की बदौलत ही हूँ. कुछ ऐसा विजन है आपका कि जैसे अक्षय ट्रेनिंग देते हैं काफ़ी सारे लड़कियों को फ्री में, तो आपका कुछ विजन है कि ट्रेनिंग देना है या कुछ? आई थिंक सी अक्षय सर इज़ अ सुपर स्टार, इज़ अ वेरी वेरी पॉपुलर स्टार एंड अगर उनके इन्फ्लुएंस में ऐसा हो रहा है तो वो ज़्यादा बड़ा स्प्रेड हो सकता है, विच इज़ हैज़ बिन हैपनिंग. तो मैं उनके साथ हमेशा इस चीज़ में मानती हूँ कि वो इतनी मतलब इतने अमेजिंग तरीके से उन्होंने इंस्टीट्यूट खोला है, सबके साथ मिलकर इतने सारे लोगों को यू नो उसमें ट्रेन करवा रहे हैं और इनिशिएटिव ले रहे हैं. सो इट इज़ अ ग्रेट थिंग. मैं हमेशा आई एम जस्ट अ कॉल अवे, अगर कुछ भी है तो आई कैन ऑलवेज बी देयर. बट सर का बहुत पॉपुलैरिटी है और उसके बेसिस पे आई थिंक इट्स अ ग्रेट ग्रेट इनिशिएटिव. यस, आई वुड से दैट अनिल, डॉक्टर अनिल मुरारकर इज़ वन पर्सन जो बिना किसी यू नो किसी इसके कि ही वॉन्ट समथिंग बैक ही कीप्स गिविंग इट टू पीपल. आई हैव सीन हिम फ्रॉम इयर्स और जितने भी 15 अगस्त को भी इन्होंने बच्चे के लिए कुछ किया था, आज भी कुछ कर रहे हैं, 26 जनवरी को भी. तो जब भी मौका मिलता है वो इस तरह के इनिशिएटिव लेते रहते हैं जो बहुत कम लोग करते हैं ऐसा. सो आई थिंक अनिल मुरारकर इज़ गोइंग फार अहेड for coming for all these social causes and standing for the kids, which is a great, great thing. I don't know, I'm sure कि आप लोगों ने देखा होगा कुछ द प्ले बॉय मिस्टर सानी अभी मैंने किया था जैकी श्रॉफ दिव्या दत्त अर्जुन बाजवा के साथ, विच इज़ डूइंग रियली वेल. रेखा भारद्वाज का वीडियो है जो मैं अभी एल ए में शूट करके आई हूँ, विच इज़ हैपनिंग राइट नाउ. एंड आई जस्ट डिड अनदर वीडियो फॉर पायल देव विद सोनी म्यूजिक. मेरी फिल्म लड़ाकू जो मार्शल आर्ट्स वाली फिल्म है वो शुरू हो गई है, तो थैंकफुली दैट इज़ स्टार्टिंग. देन वॉट इज़ हाँ पट्टा पैरिस के साथ मैं हूँ चारों तरफ. सो आई थिंक क्वालिटी इज़ वॉट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड आई एम चूजिंग ऑन दैट. एंड आज के टाइम पर सब एग्री करेंगे कि क्वालिटी चूज़ करके ही आई बिकेम अ नेशनल अवार्ड प्रोड्यूसर. ओ आई एम गोइंग टू से
सेलिब्रेट दिवाली विद माई फैमिली और उनके लिए मैं खाना बनाने वाली हूँ इस बार, क्योंकि बहुत कम ऐसा मौका मिलता है कि तुम फैमिली के साथ हो और उनके लिए कुछ कर रहे हो, और फैमिली हमेशा हमारे लिए करती रहती है, तो इस बार मैं फैमिली के पूरे मम्मी दोनों भाइयों के लिए और मेरे जो क्लोज फ्रेंड्स हैं उन सब के लिए मैं खाना बनाने वाली हूँ खुद, और रंगोली भी बनाऊँगी। नमस्कार, मेरा नाम है नीतू चंद्रा और मैं आप सबको तहे दिल से दिवाली की शुभकामनाएं देती हूँ। That's all.